चलिए भाई, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, और शायद किसी के लिए गुड इवनिंग, और शायद किसी को गुड नाइट का भी टाइम हो गया होगा। तो अपने गुड नाइट को संभाल के रखें, ठीक है। जब तक मत जाने देना, गुड नाइट को कभी भी मत जाने देना, ठीक है। उसका जरूर संभाल के रखें। चलिए अपना काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे थे? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में हमने कल बात की थी कि ये द्विआधार, या अगर हिंदी में बात करें तो द्विआधारी यंत्र कहलाते हैं, यंत्री कहलाता है, शास्त्री कहलाता है। अब द्विआधारी इसका मतलब हम बात कर चुके थे कि अगर जनरल बात करें तो यहां पर तो हम लोग फंक्शन की बात करते हैं, तो क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की फंक्शन में बात करते हैं। पर अगर जनरली बात करें तो मैंने कोई एक सेट लिया, उस सेट के कोई दो एलिमेंट चूज किए, उन दो एलिमेंट पे जो गुड आया वो ऑपरेशन लगा के देखा। अगर ऑपरेशन के बाद जो नया तीसरा रिजल्ट आया, ये जो तीसरा रिजल्ट वापिस से उसी सेट में हो, तो मैं क्या कहता हूं? बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। जैसे मान लेते हैं, मैंने कहा मेरे पास एक सेट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मैंने कहा, मैंने इस पे ऑपरेट लगाया, ए ऑपरेट बी इज इक्वल टू ए मल्टीपल बी। ऑपरेट लगाया ए ऑपरेट बी, क्या किया? ए मल्टीपल बी, यानी कि पहला मल्टीपल दूसरा, पहला मल्टीपल दूसरा, मैंने ये ऑपरेशन लगाया। अब मुझे ये चेक करना था, उसने कहा कि ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, तो मैं क्या चेक करूंगा? यार इसके कोई दो एलिमेंट, कोई दो एलिमेंट का मतलब यानी कि दो अलग अलग ही लूं, 1 की 1 से प्रोडक्ट करके देखूं, 1 की ओमेगा से करके देखूं, ओमेगा की ओमेगा से करके देखूं, मतलब हर एक एलिमेंट की, हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जब मैं प्रोडक्ट करके देखूं और वापस रिजल्ट चेक करूं कि किस में आया। अब देखिए, जैसे अगर मैं 1 की 1 से प्रोडक्ट करूं तो कितना आएगा 1? वापस उसी में। 1 की ओमेगा से करूं, ओमेगा वापस ओमेगा में। 1 ओमेगा स्क्वायर करूं तो ओमेगा स्क्वायर वापस उसी में। अगर ओमेगा की प्रोडक्ट ओमेगा से करूं तो ओमेगा, अगर मैं ओमेगा की प्रोडक्ट ओमेगा स्क्वायर से करूं तो, पर ओमेगा क्यों कितना होता है 1 है, वापस उसी में हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं कहूं ओमेगा स्क्वायर की मेरा तो गुड ओमेगा स्क्वायर से करके देखने का, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर कितना बना, ओमेगा की 4, और ओमेगा की 4 होता कितना है, ओमेगा की क्यूब मल्टीपल ओमेगा वापस ओमेगा, यानी कि वापस उसी में। इसका मतलब मैंने इस ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हर एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट प्रोडक्ट करके देखी, हर एक एलिमेंट की एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करके देखी, प्रोडक्ट करके देखी, और वापस रिजल्ट उसी में आया, तो मैंने कह दिया कि अंडर दिस ऑपरेशन दिस इज क्लोज्ड, या यू कह लीजिए यहां पर जनरली कि बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड। क्या कहा? बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड। क्लियर? ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि ये बातें हम कल कर चुके थे। इसके बाद हमने बात की थी कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। अगर मैं कॉम्यूटेटिविटी की बात करूं तो क्या बात कर रहे थे? मैंने कहा मान लेते हैं मेरे पास एक सेट था, क्या लिया? मेरे पास एक सेट है, और सेट में इसने कहा, ध्यान से सुनो, इसने कहा मेरे पास एक ऑपरेशन है, किस ढंग से? कहता आर क्रॉस आर टू आर, आर क्रॉस आर टू आर। ये कहता है कि अगर मैं डिफाइन करूं ए प्लस ए ऑपरेट बी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी, ए प्लस ए टू बी, तो कहता बताइए कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। हम बात कर चुके थे कल, क्या कर चुके थे कि फॉर कॉम्यूटेटिव, फॉर कॉम्यूटेटिव क्या होता है, ए ऑपरेट बी commutative if
A operate B is equal to B operate A. It is commutative if A operate B is equal to B operate A. यही काम करेंगे ना. Now left hand side. Left hand side क्या आया? A operate B is equal to क्या कहता है भाई? A plus A to B. गलत बात. पहला प्लस A. टू मल्टीपल दूसरा. पहला मल्टीपल प्लस टू मल्टीपल दूसरा. पढ़ना सीख लो क्योंकि यही पढ़ाई फिर समझ आने में आसान. एसोसिएटिविटी में काम आ जाती है. यहाँ तो फर्क नहीं पड़ता. अदरवाइज एसोसिएटिव को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है. ऑपरेशन गलत जा रहा है. ठीक है. तो क्या हुआ? पहला प्लस टू मल्टीपल दूसरा. ये रिजल्ट आया. कोई बात नहीं भाई. अब हमने बात की राइट हैंड साइड. किसकी बात की? राइट हैंड साइड की. राइट हैंड साइड में है बी ऑपरेट ए. क्या आया? बी ऑपरेट ए. क्या आएगा? पहला प्लस ए टू मल्टीपल दूसरा. देखनी तो ये होगी तो यहां मल्टीपल नहीं है तो इस ए और बी मत पढ़ो. पहला और दूसरा पढ़ो. पहला प्लस टू मल्टीपल ऑफ दूसरा. यह आया सेकंड. From first and second, from first and second. भाई दोनों तो equal नहीं आए. दोनों equal है? नहीं आए. From first and second, left hand side is not equal to right hand side. अब ये नहीं कि मैं कह दूँ. अब मुझे example लेके बताना पड़ेगा. पता तो चलेगा commutative नहीं है. As let A is equal to one और B is equal to क्या ले ले? टू ले लेते हैं. कितना ले लें? टू. हाँ बी ले लेते हैं. टू ले लिया. ए प्लस टू बी. ए प्लस टू बी कितना आया भाई? मेरे पास वन प्लस फोर फाइव. बी प्लस टू ए कितना आया भाई? मेरे पास टू प्लस ए टू. दैट इज फोर. ठीक है. देयरफॉर ए प्लस टू बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस टू ए. Therefore, it is not commutative. Therefore, it is not commutative. सही बात है? Okay. यानी कि ये commutative result आपका नहीं बना. Clear? A, B और B A का हिसाब किताब commutativity में नहीं बना. Clear? अब थोड़ा सा आगे बढ़ो. ये बातें मैं कल कर चुका हूँ. ठीक है? आज नहीं कर रहा. कल के वीडियो में भी देखा होगा. हम ये डिस्कस कर चुके हैं. अब हम चलते हैं associativity. हम ये एसोसिएटिविटी भी कर चुके हैं पर इसी क्वेश्चन में एसोसिएटिविटी चेक करेंगे. ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 8 है. वैसे आपको बोलता हूं अगर मैं एसोसिएटिविटी चेक करूं तो कैसे चेक करता हूं देखो. कल बात की थी क्या एसोसिएटिविटी की? कर चुके हैं. फिर दोबारा थोड़ा सा हल्का सा करते हैं. एसोसिएटिव क्या होते हैं? कंडीशन फॉर एसोसिएटिव. एसोसिएटिव ए ऑपरेट B operate C is equal to A operate B operate C. ये होता है associative में. इसका मतलब A operate C is equal to A operate B operate C होना चाहिए. result ये है. ठीक है. अगर भाई left hand side right hand side के equal होती तो मैं क्या कहता हूँ? Associative है. otherwise नहीं है. जैसे अगर मैं A की value क्या ले लूँ? one. B की वैल्यू क्या लो? टू. सी की वैल्यू क्या ले लो? थ्री. और मैं ऑपरेशन कहूं कि A ऑपरेट B का मतलब है वन प्लस सॉरी A प्लस B. अगर मैं ये ऑपरेशन कह दूं और अब मुझे कहे कि चेक कर एसोसिएटिव है कि नहीं. अब दोबारा फिर यहां ले A ऑपरेट B A प्लस A B मतलब ऑपरेशन तो आपने लगाना था. किन्हें लगाना था आपने? चलिए नहीं लगाते. A ऑपरेट B यानी ये तो चेक ही कर रहे हैं. बताए रहे तो प्लस ही रखते हैं. फिर आपके किसी और क्वेश्चन में कुछ और घुमा देंगे. ठीक है. A ऑपरेट B क्या कर दिया? मैंने A प्लस B लगाया. कहते हैं चेक करते हैं एसोसिएटिव है कि नहीं. वैसे एडिशन और प्रोडक्ट दोनों ही एसोसिएटिव होती है पर चेक करने का तरीका क्या है? देख A ऑपरेट B मतलब A ऑपरेट B ऑपरेट C इज इक्वल. पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होएगा ना. तो A ऑपरेट B ऑपरेट C यानी कि B प्लस A C
पक्का बी प्लस सी यानी कि 2 प्लस 3 क्योंकि b ऑपरेट c में रिजल्ट दे रखा है दोनों का एडिशन लिखना है जब ऑपरेशन सॉल्व कितना है भाई a ऑपरेट 5 a की वैल्यू कितनी है भाई 1 यानी कि 1 ऑपरेट 5 अब 1 ऑपरेट 5 कितना आया 1 प्लस क्या कह रहे हो कुछ गड़बड़ है क्या नहीं है ना 1 प्लस 5 दिस इज 6 सही है ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड अब किसका बोले राइट हैंड साइड जब हम राइट हैंड साइड पे गए तो राइट हैंड साइड क्या है ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी तो इसका मतलब ए ऑपरेट 1 ऑपरेट 2 ऑपरेट 3 पहले कौन खुलेगा ब्रैकेट पक्का ना ठीक है इस पे क्या बोलूं 1 प्लस 2 कितना हुआ 3 ऑपरेट 3 3 ऑपरेट 3 कितना 6 क्योंकि दोनों की एडिशन कहने का मतलब क्या है ये हुआ 3 प्लस 3 यानी कि 6 पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या ही इक्वल इसका मतलब एसोसिएटिव है अब इसी कंडीशन पे एसोसिएटिविटी चेक करते हैं कि एसोसिएटिव है कि नहीं है समकक्ष दस्तक क्यों काम ये तो हर रोज़ ही हो रहा है हाँ कल था ज़्यादा देखते हैं लेक्चर कल था सर लग नहीं रहा मेरा तो बैठ जाओ हैं पूछ लेना सर मैं तो फोन कर बाकी देख क्या तो आपकी मम्मी हमेशा ये कहती कि नहीं पढ़ता वो लेक्चर की पूछना सर देख के दे लेक्चर को सलमान खान की फिल्म तो थी नहीं हाँ है भाई लेक्चर को सलमान खान की फिल्म है कि देखे थे सर देखे का मतलब होता है कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया समझ में आया कि नहीं आया देखने को क्या है एक बार देखिए हमारा 17वां लेक्चर आया हुआ ये है बस ठीक है देख लिया आपकी मम्मी यही बोलती है कि किसी की कॉपी लाएगा उठाएगा और टेप देगा वो कौन सा देखना हो गया वो तो कोई देखना है ही नहीं चलिए आगे बढ़ते हो गया भाई काम कंप्लीट किया था दैट इज इक्वल टू दैट अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं a प्लस 2 हो गया ना अब इसी रिजल्ट पे हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं क्या चेक करते हैं एसोसिएटिविटी चेक करते हैं आ जाइए जरा जब हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे ऑपरेशन तो वही रहेगा ना अब फॉर एसोसिएटिव इक्वेशन नंबर 8 आपकी बुक का फॉर एसोसिएटिव लिखते वही है फॉर एसोसिएटिव क्या a ऑपरेट b ऑपरेट c इज इक्वल टू a ऑपरेट b ऑपरेट c ये चेक ही करना अपना कोई रोल नहीं और याद है भाई क्योंकि ये डिफाइन है कॉमुटेटिव किसे कहते हैं एसोसिएटिव किसे कहते हैं ये सारी की सारी बातें क्या है जैसे याद ही रखनी होती हेलो हेलो और अरे अरे वो दीपक के हाँ बोल रहे हाँ एक बार मैं 5-10 मिनट के एक घंटे के बाद कॉल करूँगा दीपक भाई मैं थोड़ा सा वहाँ वीडियो बना रहा था चले मुझे क्या चेक करना था फॉर एसोसिएट ये डिफाइन होता अपना कोई रोल इसमें नहीं ये कहता ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी इक्वल टू ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी अगर ये रिजल्ट है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो मैं कहूंगा एसोसिएटिव अदरवाइज नहीं चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड अब देखो पहला दूसरा यहां काम आता है ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ही सॉल्व होना है तो क्या लिखा ए ऑपरेट अब आ रहा बी ऑपरेट सी पहला प्लस से टू मल्टीपल दूसरा मतलब b प्लस 2c हो गया b ऑपरेट c नहीं समझ आई बात पक्का हेलो हो गया अब आगे अब ये हो गया पहला क्योंकि अब ऑपरेशन इस पे होना है क्योंकि बीच में ऑपरेशन का साइन यहां पे लगा है तो ये पहला और ये दूसरा सॉल्व करते हैं
यानी कि पहला प्लस टू मल्टीपल दूसरा 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 लिख दो भाई, दूसरा क्या बी प्लस ए सी कितना लिखा, थोड़ा सा प्यार से किया टू इनको, कितना हुआ टू बी प्लस फोर सी, टू बी प्लस फोर सी हो गया मामला। अब राइट हैंड साइड पे पहले का हिसाब किताब हो गया, अब किस पे चले राइट हैंड साइड पे, जब राइट हैंड साइड पे गए तो राइट हैंड साइड क्या कहती है भाई, ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी की दिक्कत, ए ऑपरेट बी कितना पहला प्लस दूसरा यानी कि ए प्लस टू बी ऑपरेट सी, अब आगे कितना ए प्लस टू बी पहला प्लस ए टू टाइम ऑफ ए दूसरा यानी कि टू टाइम ऑफ सेकेंड टू सी कितना है भाई ए प्लस टू बी प्लस टू सी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज नॉट एसोसिएटेड इक्वल नहीं, एग्जाम्पल देना चाहते तो ना देना तो चल भी काम चल जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर नॉट एसोसिएटिव, लिखना पड़ेगा देयरफॉर नॉट एसोसिएटिव, कोई परेशानी सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते चले हम आगे, ये कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी हमें कल बात कर चुके हैं ना, एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा काम आ जाएगा नहीं तो फंसे हो, फिर उसे आगे की बात हम डिस्कस करेंगे। कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी के बाद थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और ले लें, देख लो मान लो नजर के पूछना है तो स्पेस नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ये देख ले लेता हूं आपका दसवां क्या दसवें से कोई पहले तो नहीं चाहिए आठवां ले लिया चलिए मैं दसवें का एक पार्ट ले लिया ले लू बुक ही नहीं है कोई बात मैं कहता है एक ऑपरेशन डिफाइन है ए ऑपरेट बी सेट ऑफ रैशनल नंबर पे, किस पे कहता है सेट ऑफ रैशनल नंबर पे, एक ऑपरेशन डिफाइन है ए ऑपरेट बी A ऑपरेट B इज इक्वल टू A माइनस B प्लस A B, कहते ये ऑपरेशन कहते चेक कर इट इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ठीक है ये कहते बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड आप चेक करके इट इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, सिंपल सी बात क्या करेंगे फॉर कम्यूटेटिविटी ये कहता चेक कर भाई कम्यूटेटिव है या नहीं, फॉर ए कम्यूटेटिविटी ए ऑपरेट बी इज इक्वल टू बी ऑपरेट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, सेट के ही एलिमेंट रखने सही है चलो आगे ओके ए ऑपरेट बी अरे भाई नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या बना A ऑपरेट B क्या बनेगा पहला माइनस दूसरा प्लस दोनों की मल्टीप्लिकेशन यही है ना ओके राइट हैंड साइड क्या है भाई राइट हैंड साइड क्या कहता है B ऑपरेट A इज इक्वल टू B पहला माइनस दूसरा प्लस दोनों की प्रोडक्ट वैसे भी नजर आ रहा है इक्वल नहीं है ठीक है कह सकते हो द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर नॉट कम्यूटेटिव फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये फर्स्ट ये सेकंड क्या लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इज नॉट कम्यूटेटिव इट इज नॉट कम्यूटेटिव कोई ऑपरेशन नहीं ना होनी चाहिए अब चाहो तो एग्जांपल दे देख क्योंकि a माइनस b और b माइनस a इक्वल होने की गारंटी थोड़ी है a भी तो प्रोडक्ट तो चलो मान लेंगे इक्वल होंगे पर ये दोनों रिजल्ट इक्वल होने ही नहीं है इसका मतलब ये दोनों रिजल्ट सेम है नहीं नहीं हो सकते ना एज लेना चाहो तो ले लो एज a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 आ जाओ जरा a ऑपरेट b
वन ऑपरेट टू कितना भाई, वन माइनस टू प्लस टू वन भाई, सॉरी हाँ वन है, सही है ओके। टू ऑपरेट वन इज इक्वल टू टू माइनस वन प्लस टू, दिस इज थ्री, सही है। देयरफॉर ए ऑपरेट बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेट ए, देयरफॉर नॉट कंप्यूटेड। यहां से भी पता चला, साथ में एग्जांपल और दे दिया, तो बात 100% क्लियर भी बोर्ड के बीच में। चले आगे क्या करें, चेक करें एसोसिएटिविटी, क्या चेक करें एसोसिएटिविटी, याद है ये वही बातें। फॉर क्या एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव क्या चेक करते हो, ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी इज इक्वल टू ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी, याद ही है भाई एसोसिएटिव की कंडीशन यही होगी। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो हो गया एसोसिएटिव, अदरवाइज ये नहीं। आ जा जरा लेफ्ट हैंड साइड ले ले, ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी, क्या करें ए ऑपरेट, क्योंकि ब्रैकेट खुलना है पहले, बी ऑपरेट सी क्या है, जरा बी ऑपरेट सी क्या है, पहला माइनस दूसरा प्लस दोनों की प्रोडक्ट, पहला माइनस दूसरा प्लस दोनों की प्रोडक्ट, आई गल समझ नहीं आई, आगे बहुत अच्छे और नंबर मारका मस्त, अब और आगे चलते ओके। अब पहला ऑपरेट दूसरा वजन क्या था, पहला प्लस सॉरी माइनस दूसरा यानी कि बी प्लस सी माइनस बी सी प्लस दोनों की प्रोडक्ट, यही है ना पहला ये दूसरा, इसीलिए मैंने बोला था फर्स्ट और सेकंड कंसीडर किया करो एबीसी के चक्कर में मत कभी पड़ना, अदरवाइज होएगा ही नहीं, कहीं ना कहीं गलती कर ही बैठो। प्लस क्या है, दोनों की प्रोडक्ट ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी सी, सोल्व करते ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी, मैंने कुछ नहीं किया भाई, सिंपलीफाई किया जो हो सकता था, इसी के तोते उड़ते हैं क्या, नहीं उड़ रहे छोड़ लेते। अब किस पे चले, राइट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड, इसे फर्स्ट ले लो, ले लिया फर्स्ट, अब किस पे चले राइट हैंड साइड पे, जब राइट हैंड साइड पे गए तो राइट हैंड साइड पे भी यही ऑपरेटर करना है ना, ऑपरेट तो उसी तरीके से सोल्व करेंगे या किसी और तरीके से सोल्व करना है, हाँ किसे, अरे यार किसे भी करना था उसी से, यानी कि जो ऑपरेशन सामने वाला बोले उसी से, क्या लगा है ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी इज इक्वल टू ए ऑपरेट बी, सोल्व करेंगे पहले क्योंकि पहले क्या बोलते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट में कौन है ए ऑपरेट बी, क्या बना ए माइनस बी प्लस ए बी ऑपरेट सी, रूल के अकॉर्डिंगली पहला ऑपरेट दूसरा क्या बना, पहला ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस दूसरा प्लस दोनों की प्रोडक्ट सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए बी, सोल्व करेंगे तो क्या बना भाई ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस ए सी माइनस बी प्लस ए बी सी, ये होगी दूसरी भाई। अब एक बात बताए तो इसमें भी किसी के उड़े नहीं, उड़े ना, अरे नहीं उड़े यार, पर दोनों इक्वल नहीं है, चेक कर लो दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, फ्रॉम कहीं लिखने की जगह है क्या, नहीं है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड left hand side is not equal to right hand side, therefore not associative, हो गया, यानी कि हमने associative चेक कर ली थी। अब हम आज वाले लेक्चर पे आ
ये तो हम कल बात कर चुके साहब। हाँ ये बातें कल कर चुके, पर मुझे उम्मीद ये थी कि आप यहां तक सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन। हाँ क्यों किए हैं यहां तक? हो गया था क्वेश्चन? यस सर। होना तो नहीं चाहिए था। कैसे अरविंद ने कह रहा सॉल्व हो गया? हाँ सात तक हो गए थे, तो फिर ये कैसे हो सकते हैं हो गया? तो ये तो आठवां या दसवां है। हाँ अब हो गया, सही बात है, सही बात है। तेरे बाप ने ना पड़ोस में बधाई तेरे पैदा होने से पहले ही दे दी थी। हाँ भाई हो गया अरविंद, हो गया अरविंद, हो गया अरविंद, 9 महीने बाद तो पैदा हो। बोले की होगा हुआ है, ऐसा था क्या? नहीं ना, तो फिर होने के बाद ही बोला हो गया, पहले कैसे हो गया? चल आगे बढ़ते हैं, चले चले चल, अच्छी बात। अब चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आज एक्चुअली क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए ना, छोटा सा, अगर मुझे ए ऑपरेट बी कह दे, ए ऑपरेट बी, देख जरा, ए ऑपरेट बी इजिकल टू कहता है ए रेज टू पावर बी, कहता चेक कर एसोसिएटिव है कि नहीं, रियल नंबर है, एसोसिएटिव है कि नहीं है, बस मैं फटाफट कर रहा हूं ताकि आपके क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से आए, मुझे लगा कि थोड़ा सा पता। सीधा डायरेक्ट बोला क्या करूंगा, ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी, क्या बनेगा? ए रेज टू पावर बी ऑपरेट सी, कैसे समझना जरा। अब क्या बना, पहला ऑपरेट दूसरा, पहले की पावर है दूसरा, यानी कि ए रेज टू पावर बी की पावर सी बना ए बी सी। हाँ अब उल्टा चलते हैं, ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी, क्या बना? ए ऑपरेट बी की पावर सी, बी की पावर है सी, क्या बना? अब जरा प्यार से, वही बात प्यार से क्या, दोनों बराबर है, प्यार कर लो यार ना कर लो, दोनों बराबर है नहीं है, तो क्या बना? ए की पावर बी की पावर सी, यही है ना, पहले की पावर है दूसरा। अब यहां देख, यहां था ए की पावर बी की पावर सी, यानी कि टी मल्टीपल टाइम हुआ सी टाइम मल्टीपल, तो बेस बराबर तो पावर तो थी, ठीक है, प्रोडक्ट में थी, तो बी सी हो गया। यहां पर तो ये रिजल्ट बना, पर यहां पर ये बना, अब ये थोड़ा कि बी सी की पावर लिख दूंगा, क्योंकि बी की पावर है सी है, रिजल्ट क्या बना? ए की पावर बी की पावर सी, बी सी नहीं बना। ये कई बार बच्चा गलती कर जाता है कि दोनों इक्वल थे, पर दोनों इक्वल नहीं थी, क्योंकि दोनों की रीड करने में भी फर्क है। यही रेड टू पावर बी यानी कि टी की पावर सी, जबकि यहां टी की पावर सी नहीं, पावर टी एक तरह से सी में, समझ ना, तो यहां तो ए की पावर बी की भी पावर सी है, ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं है। वैसे प्राइमरी में करके आए हो, इतना जोर देने की जरूरत नहीं थी, यानी कि एसोसिएटिव नहीं है, पर कई बार ना बच्चा ये पावर के चक्कर में गलती कर बैठता होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, जब बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, पर यहां बी की पावर सी ऐड होगी, ठीक है, संगागी चल आगे बढ़, चल पक्का चल चल। ओके ये एसोसिएटिव था, बारी आती है आज की, आज नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्जिस्टेंस ऑफ ए आइडेंटिटी, क्या आता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। वैसे तो हम प्राइमरी में भी आइडेंटिटी करके आए हैं, प्राइमरी का मतलब प्लस वन में करके आए हैं, आइडेंटिटी की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, ठीक है, फिर भी जनरली यहां पर क्या कहता है, वैसे आइडेंटिटी होता क्या है, एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर के साथ ऑपरेट करने पर मेन नंबर की वैल्यू में कोई चेंज ना आने दे, जैसे चार में क्या ऐड करूं कि चार ही आए, जीरो, तो जीरो आइडेंटिटी है, चार में क्या मल्टीप्लाई करूं कि चार ही आए, वन, तो वन है आइडेंटिटी है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी तो जीरो है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ, हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ ए आइडेंटिटी, इससे पहले हम क्या बताएं, मैंने बोला कि जीरो, इसकी डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे,
या नोट में डाल देना क्योंकि उसकी डेफिनेशन तो बाद में आएगी। नोट में क्या था, एज जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वन क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये हम प्लस वन में पढ़ के आए हैं जनरली जनरल ऑपरेशन, ठीक है। अब यहां से अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी डेफिनेशन क्या, आइडेंटिटी ए नंबर एनी नंबर, एनी नंबर ई, एनी नंबर ई इज सेड टू बी द आइडेंटिटी, बी द आइडेंटिटी ऑफ नंबर ए, ऑफ नंबर ए एनी नंबर ई इज सेड टू बी द आइडेंटिटी ऑफ नंबर, ऑफ नंबर ए, ऑफ नंबर ए इफ ए ऑपरेट ई इज इक्वल टू ए, ई ऑपरेट, ई ऑपरेट ए मींस ए के साथ कम्यूटेटिविटी में किसी ढंग से ऑपरेशन है। देख ए ऑपरेट ई इज इक्वल टू ई ऑपरेट ए, दोनों रिजल्ट ए के इक्वल, मतलब ए के साथ ई को ऑपरेट किया कोई वैल्यू ना बदले वापस ए ही आए तो ई क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। क्लियर, जैसे ये निकाल लीजिए, मान लो मुझे ई ऑपरेट ए यानी कि ए के साथ किसी नंबर किसी भी ढंग से ऑपरेट करो पर ऑपरेशन के बाद मेन नंबर की वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए तो जो दूसरा नंबर है वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। जैसे देख बाय चांस मुझे कह दे कि मैंने ए और बी नेचुरल नंबर लिए, ए और बी क्या लिए नेचुरल नंबर, प्यार से देखना। अब मैं कह दू ए ऑपरेट बी इज इक्वल टू मेरे पास ए बी है, ए ऑपरेट बी, प्यार से पढ़ना क्योंकि प्यार से ही प्यारा रिजल्ट निकलना, जो मुझे पता ना वही पहुंचना। मैंने कहा ए ऑपरेट बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी प्रोडक्ट है ना। अब कहता फाइंड इट्स आइडेंटिटी, फाइंड इट्स आइडेंटिटी तरीका समझ लेना, बाद में जाएंगे किसी और चीज पे। लेट क्या करोगे, लेट ई बी दी आइडेंटिटी, लेट ई बी दी आइडेंटिटी क्योंकि मुझे तो आइडेंटिटी पे जाना है। कहता आइडेंटिटी निकाल, ऑपरेशन नेचुरल नंबर पे ये गिवन है, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली कहता आइडेंटिटी निकाल, निकालते हैं देख। नाउ लेट ई बी दी आइडेंटिटी, इट इंप्लाइज दैट ए ऑपरेट ई इज इक्वल टू ए, ए ऑपरेट ई इज इक्वल टू ए, इट इंप्लाइज दैट ए ई इज इक्वल टू ए, ए ऑपरेट ई था क्या, दोनों की प्रोडक्ट है। देख ए ऑपरेट ई ए ई इज इक्वल टू ए, नहीं समझ आई बात, नहीं आई होगी यार, हाँ नहीं आई ना, वही बात में क्या फर्क पड़ता है, अब समझ में आई, हाँ अब तो आई ना, दोबारा देख यार इतनी क्यों टेंशन लेता है, हाँ टाइम अपना मार्कर अपना हम दोनों एक दूसरे टेंशन ना ले, फिर कर रहे हैं चला रहे। हमने क्या बताना था, इसने कहा और ये ना डेफिनेशन है, और मैंने कई बार बोला है कि मैथ में कुछ चीजें डिफाइन होती है कुछ चीजें ड्राइव होती है। डिफाइन का मतलब है कि वो डेफिनेशन आपको याद ही करनी है, उसका कोई प्रूफ नहीं। यहां पर ये क्या था, डिफाइन थी आइडेंटिटी की डेफिनेशन कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग उसका आइडेंटिटी कहलाएगा यदि ऑपरेशन के बाद मेन नंबर की वैल्यू ना बदले, जस्ट जनरल लैंग्वेज में यही बात। अब यही बात यहां की, इसने कहा मैं जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं वो कहता मैंने बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर पे लिया, किस पे लिया, नेचुरल नंबर पे, और नेचुरल नंबर पे ऑपरेशन लेते उसने कहा कि ऑपरेशन इस ढंग से लिया कि अगर ए ऑपरेशन
तो मैंने ऑपरेशन दोनों की गुणा कर दिया, क्योंकि वो तो मूड था जो करना था कर लिया, मैं ए की पावर बी कर लू ए प्लस, यानी कि ऑपरेशन तो सामने वाले ने मेंशन कर दिया, मेरा मूड हुआ ए ऑपरेट बी, क्या कर लिया ए बी, कहता फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ दिस ऑपरेशन, क्या निकालू आइडेंटिटी निकालू, ठीक है भाई। अब मुझे ध्यान आया आइडेंटिटी है क्या, क्योंकि मैथ में तो चीजें डेफिनेशन या पूरे प्रोसीजर से चलनी है। अब डेफिनेशन में उसने कहा यार क्या निकाल, आइडेंटिटी निकाल, तो मैथ में तो चीज नहीं दे रखी थी, क्या करके चलते हैं, मान करके चलते चल लिए, लेट ई बी दी आइडेंटिटी, मान ली भाई, लेट ई बी दी आइडेंटिटी, अगर E आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ बाय डेफिनेशन कि इट इंप्लाइज दैट ए ऑपरेट E इज इक्वल टू A, क्योंकि ऑपरेशन के बाद नंबर नहीं बदला दिए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात करें तो A ऑपरेट E इज इक्वल टू क्या आना चाहिए A। अब सॉल्व करते हैं, A ऑपरेट E है क्या, ए ई दोनों की गुणा, ऑपरेशन तो दोनों की प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ ए मल्टीपल ई इक्वल टू ए, इसके बाई ले भी जाना तो गुण है, इसका मतलब क्या हुआ, वैसे अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ए ई माइनस ए इक्वल टू जीरो, सही बात है, इसका मतलब तोते मत उठाना, सच्ची बोला एग्जैक्ट वे था, वो तो स्वाद ले रहा था। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना आया ए माइनस ए, तो देख ए कॉमन लिया कितना आया e माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, या तो ए जीरो या ये जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों हाँ नेचुरल नंबर नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ e माइनस वन जीरो, इसका मतलब e इज इक्वल टू वन, और वन नेचुरल नंबर भी है, इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू क्या है वन है, क्या है वन है। अगर यही ऑपरेशन में एडिशन में लगाता तो किस में लगाते एडिशन में, वापस आ जाइए यहां तो इसने कहा ए ऑपरेट बी क्या है ए बी, अब वापस चलते हैं इसी पे आइडेंटिटी निकालते हैं, नेक्स्ट निकाले उसने कहा आइडेंटिटी ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर, दोनों क्या है नेचुरल नंबर है। अब कहता है जब ऑपरेट किया ए ऑपरेट बी किया तो उसका मूड हुआ ए प्लस बी पे निकाल, ए बी क्या दे नेचुरल नंबर, ऑपरेशन ये ले लिया। अब फिर कहा फाइंड आइडेंटिटी, क्या कहा फाइंड आइडेंटिटी, ठीक है भाई मान ले जो मानना ले इस बात कोई बात नहीं, देंगे फाइंड आइडेंटिटी, चल आइडेंटिटी, अगर मुझे इसकी आइडेंटिटी निकालनी है तो वही दो चीज नहीं दे रखी, लेट लेट ई बी दी आइडेंटिटी, लेट ई बी दी आइडेंटिटी, इसका मतलब हम एक बात बताऊं रे याद रखना जरा, ये ए ऑपरेट ई लिखा तो ये इज इक्वल टू ई ऑपरेट ए लिखना मत भूलना, कहीं डेफिनेशन का ही बैंड बजा दो, ये कंपलसरी होता है एक तरह से, बात तो हम एक को ही सोल्व कर लेते हैं, पर एक और मैं बता दूं कई बार मुझे दोनों भी सोल्व करके देखनी होती है, क्योंकि क्या गारंटी ऑपरेट करने के बाद कम्यूटेटिविटी आ रही है, वो तो ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, नहीं समझे ना, नहीं समझ रहे ना बात, जनरली हम दिखाते नहीं है पर सच्चा ये हम ये चेक करना होता कि है कि नहीं है, समझे, ये तो ऑपरेशन पे पता चल रहा, ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली तो हो रहा था, पर कई बार ऐसा हो नहीं पाता, सच्चाई तो ये है हमें देखना होता है एडिशन में प्रोडक्ट में वगैरह वगैरह में निकल जाते हैं, इसलिए हम सेफ हो जाते हैं, अदरवाइज ये भी देखना होता है और देखना ये भी होता है, यानी कि दोनों ही सोल्व करके देखनी होती है कि ए दोनों ही ए के इक्वल देखनी और दोनों पे सेम नंबर ही आना कंपलसरी, कई बार सेम नंबर नहीं आता ठीक है तब भी हम कहते हैं आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, समझे, ये मत सोचना कि कोई ये कर रहा हूं यही फाइनल था, गलत बात है, ऑपरेट इस पे भी करके देखना होता है, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि ये जनरली हमें पता चल जाता है कि ए ऑपरेट ई
और E ऑपरेटर दोनों इक्वल है कि नहीं है, यानी कि रिजल्ट कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है। नहीं तो ये बताना भी होता जब हम फॉर लिखते हैं कि एज ए ऑपरेटर इज इक्वल टू ई ऑपरेटर एज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ए की निकाल के कह दे और उत्तर आ गया, नहीं, पर ये बता देते हैं उत्तर देते हैं बिकॉज ए ऑपरेटर इज इक्वल टू ई ऑपरेटर एंड इट इज कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव है, ठीक है, पर हमेशा नहीं होती, ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। तो एक तरह से बाय रूल तो हम पहले ऊपर वाले ऑपरेशन में ये अगर वहां ऑपरेशन में कॉम्यूटेटिव रिजल्ट आ ही गया तो फिर तो बैक जाना नहीं होता, ठीक है, अदरवाइज चेक कई बार करना पड़ जाता है। ए ऑपरेटर से रिजल्ट आ जाता और ई ऑपरेटर से रिजल्ट सेम नहीं आता, यानी कि वो कॉम्यूटेटिव ही नहीं था। और आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस में ये आपकी मजबूरी है कि हर हाल में क्या होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, बात थोड़ा ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट ई बी द आइडेंटिटी, इट इंप्लाइज दैट ए ऑपरेटर ई, ए ऑपरेटर ई इज इक्वल टू ई ऑपरेटर ए इज इक्वल टू ए, सही बात है। It implies that A operate E is equal to A, E operate A. यही है ना? आ जा जरा। Now A operate E. A operate E is equal to A. Given हमें अपना क्या रूल डेफिनेशन? It implies that A plus E is equal to A. It implies that E equal to क्या natural number है zero? नहीं है ना, तो क्या कहोगे? Identity does not exist, क्योंकि result तो आ गया, पर अब ये भी देखना कि मैं जिस पे operation लगा रहे थे क्या result वापस उसमें आया? नहीं आया ना। As does not belongs to natural number, therefore identity does not exist। मेरी बात समझ आ गई? यानी कि जरूरी नहीं है कि हर केस में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, इट में भी और इट में नोट, क्लियर, एक बार नोट कर लो आगे बढ़ो। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर एक दो एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, फिर इनवर्स की बात कर लें, या इनवर्स की साथ ही बात कर लें, फिर दोनों के क्वेश्चन साथ ले लेंगे, ठीक है, एक इनवर्स और बता। ओके, आइडेंटिटी के बाद हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, किसकी बात करें, इनवर्स की। चलिए भाई इनवर्स और बात कर भी लेते हैं। इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है? इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स नहीं पता, तो सुन कोई बात क्यों टेंशन, कोई बात उल्टा ऐसा नहीं होता, कहीं बोल दो, ठीक है, चल काम करते, चलिए सुनिए, सुन थोड़ी देर, थोड़ी कब, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, existence of inverse, चले, let a be any element, let a be any element of a set a, of a set a, let a be any element of a set a, then be the inverse, then B be the inverse of A if A operate B is equal to E, if A operate B is equal to E, where E is the identity, where is the identity of set A,
where A is the identity of set A. B be the inverse of A. B be the inverse of A. Where B also belongs to A. Sorry, B B किसका है? A का. ये बात हमने कही लेकिन कि B किसका लिया है? Then B be the inverse of A या B is the element of A. B belongs to A. B the inverse of A. क्योंकि belongs to A वो भी तो उसी set से लेना होता है. इनवर्स भी उसी सेट का होना कंपलसरी है. थोड़ा सा इसका मतलब समझ लो, बाद में बात करते हैं. सबसे पहले हम आइडेंटिटी निकालते हैं. क्या निकालते हैं? आइडेंटिटी निकालते हैं. आइडेंटिटी के बाद हमें इनवर्स निकालना होता है. अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट ना करती हो तो इनवर्स एग्जिस्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. कारण, क्योंकि कोई नंबर किसी नंबर का इनवर्स है कि नहीं है ये मुझे आइडेंटिटी बताती है. कैसे? चार का इनवर्स एक बटे के चार है. कब पता चला? कि जब दोनों की गुणा करने के बाद उत्तर एक आया. क्योंकि एक क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. और मैंने ऑपरेशन क्या लगाया था? मल्टीप्लिकेशन का लगाया था. किसका लगाया था? मल्टीप्लिकेशन का लगाया. और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाने के बाद जब हमने चेक किया तो देखा यार चार की प्रोडक्ट यानी कि फोर की प्रोडक्ट 1/4 करने के बाद 1/4 से करने के बाद कितना आया? 1. और चेक किया यार 1 तो आइडेंटिटी है. यानी कि दो नंबर में मैंने कोई ऑपरेशन लगाया और आंसर कितना आया? 1. तो मैंने कहा यार 4 का इनवर्स कितना है? 1/4. एक्चुअली मैंने कहा 1/4 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4. 1/4 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4. समझागी? अब अगर बाय चांस से मैं 4 का एडिटिव इनवर्स निकालता तो चेक करता यार 4 में क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आए. कारण, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि ऑपरेट करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आनी चाहिए. क्या नहीं चाहिए? आइडेंटिटी. और यदि आइडेंटिटी नहीं आई तो इनवर्स नहीं है. अब उसने मुझसे कहा कि यार एडिटिव इनवर्स निकाल. एडिटिव इनवर्स निकाल. अब एडिटिव इनवर्स पे निकालते ही तुरंत ध्यान में आया यार उत्तर 0 आना चाहिए. उत्तर 0. ऑपरेशन दो नंबर में जब आपस में ऑपरेशन लगाओ ऑपरेशन के बाद आंसर अगर 0 आ जाए तो दोनों ही नंबर एक दूसरे का क्या है? इनवर्स है. क्योंकि ये किसने बताया था? डेफिनेशन ने. क्योंकि डेफिनेशन ने कहा था ए का इनवर्स बी और बी का इनवर्स ए है यदि ऑपरेट के बाद क्या है? आइडेंटिटी आए. नहीं समझ आ रही बात? पक्का? श्योर? वाजे तरफ. मैंने कहा यार 4 की एडिटिव एडिटिव इनवर्स बता तो तुरंत दिमाग ने कहा यार 4 में क्या जोड़ूं कि उत्तर 0 आए. क्योंकि हमें फाइनल रिजल्ट का पता होता है तो कितना? -4. जब तक तुम्हें यह ना पता होता कि मुझे आंसर क्या निकालना है तो तब तक मैं यह नहीं बता सकता था कि ऐड क्या करूं. इसलिए इनवर्स निकालने से पहले आइडेंटिटी का होना कंपलसरी है. क्योंकि ये मुझे मजबूर डेफिनेशन ने किया यानी कि 4 का इनवर्स क्या है? -4. एडिटिव इनवर्स. क्यों? क्योंकि दोनों के ऑपरेशन के बाद आंसर कितना आया? 0. कितना आया? 0. तो -4 इज एडिटिव इनवर्स. कौन सा है? एडिटिव इनवर्स. सही है ना? अब थोड़ा सा आइडेंटिटी और इनवर्स के थोड़ा सा और अभी टीजर टेंशन मत लेना. थोड़ा सा और आगे बढ़ते और क्लियर होता जाएगा. एक एग्जांपल लेते फिर अपने आप क्लियर. चलिए एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं. आपका पढ़ ले. कहता है देख प्यार से कहता है मेरे पास एक क्यू नॉट यानी कि पॉजिटिव है रैशनल नंबर नॉन जीरो पॉजिटिव नॉन जीरो रैशनल नंबर यानी कि पॉजिटिव नॉन जीरो रैशनल नंबर का एक सेट. नॉन जीरो पॉजिटिव रैशनल नंबर का एक सेट क्या है? नॉन जीरो पॉजिटिव
रैशनल नंबर। नॉन जीरो पॉजिटिव रैशनल नंबर का एक क्या ले लिया सेट। और वैसे एक बात बता दो ना, क्यू नॉट है नॉट नॉन जीरो पॉजिटिव नहीं सॉरी नॉन जीरो रैशनल नंबर का एक सेट ले। कहता है ऑपरेट लगाया ए ऑपरेट बी इज इक्वल टू ए बी बाई फोर। ए बी बाई फोर पहले तो एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव एडिटिविटी एडवर्स निकाल लेते हैं। अब ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली निकालते आता क्या है, कहता है इसकी आइडेंटिटी और इनवर्स निकाल। फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स इफ एग्जिस्ट इफ एग्जिस्ट इफ एग्जिस्ट। चले आ जाते ना, इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता कैसे पता चलेगा, आइडेंटिटी है कि नहीं है। अगर आइडेंटिटी है तो इनवर्स पक्का आएगा, अगर आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स से नहीं आएगा क्योंकि मैं चेक ही नहीं कर सकता निकाल लूं कैसे। चलिए फर्स्टली फाइंड आइडेंटिटी, फाइंड आइडेंटिटी क्या करते हैं, जो चीज नहीं दे रखी होती लेट करके चलते हैं। लेट E be the identity. Let E be the identity of a set. किसका? Q of a कौन सा था? Of a set Q. सही है ना? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास ये identity है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी कर क्या है देख? अगर E identity है, तो इसका मतलब है A operate E is equal to A. E operate A for all A belongs to Q. Not सही था ना? ये तो definition अपना role ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रही है now now A operate E is equal to A. हाँ यहाँ लिखना है, याद रखना अदरवाइज तो दोनों लेने पड़ जाएंगे। Star is commutative as in operation is commutative इतना क्योंकि commutative है। अब आगे अगर ये by chance commutative ना हो और ना पता हो by chance ना पता commutative है कि नहीं है तो फिर a operate e देख लो और e operate a भी देख लो फिर दोनों देख। जैसे उसे था कि हाँ ये commutative क्योंकि product है same आगे इसलिए मैंने क्या कह दिया commutative by chance ना हो तो या operation ऐसा हो जहाँ feel ना हो रहा है कि नहीं है तो फिर दोनों निकाल के देखिए। ठीक है चलते हैं। Now A operate E is equal to A, it implies that A operate E कितना रे पहला मल्टीपल दूसरा बाई फोर यानी कि A E for A। सही है पक्का? फोर को इधर ले रहा हूं A से के तोते उड़ा दूं तो E is equal to फोर हो गया भाई इज इक्वल टू फोर पक्का ओके। और फोर है इट बिलोंग्स टू इसमें भी है क्यू नॉट में भी यानी कि दिस इज द आइडेंटिटी। क्या है आइडेंटिटी? हियर हियर फोर इज आइडेंटिटी। आगे में ई की वैल्यू फोर आई आइडेंटिटी आ गई। अब कहते हैं यार इनवर्स निकाल। क्या निकाले? इनवर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा रखा रहने का पर इतना ही रखकर ताकि बात बन जाए। अब क्या करें टू फाइंड इनवर्स, टू फाइंड इनवर्स क्या लिखें? लेट ना लेट ए बी दी लेट ए बी इनवर्टिबल लेट ए बी इनवर्टिबल एलिमेंट element of Q not. Let A be invertible element of a Q not. Let A be invertible element of Q not. And let A be its inverse. क्योंकि math में जो नहीं दे रखा वो क्या करके चलते हैं? Let करके चलते हैं। बाद में group कर लेंगे कि possible है कि नहीं। समझ में आ रही बात? पक्का? चल आगे बढ़ो। देते
ओके भाई, चलते आगे। चलिए ये कहता, अब क्या कहा, कहता लेट ए बी दी इनवर्टिबल एलिमेंट, यानी कि इनवर्टिबल है और बी उसका इनवर्स है। बाय डेफिनेशन क्या होगा, ए ऑपरेट बी इज इक्वल टू ई, यही होगा ना। देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट ए ऑपरेट बी इज इक्वल टू ई, ए ऑपरेट बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी ऑपरेट ए। दोनों बातें दोनों जगह हो गई है, सही पक्का समझ आ रही है, बोर तो नहीं हो गया? हाँ अरविंद बोर नहीं हुआ, ठीक है मैं हो गया। आगे चलते हैं, चले चल नहीं भाई यार, आ जा जरा, ए ऑपरेट बी लूंगा, ए ऑपरेट बी, ए ऑपरेट बी सफी ले लो, इट इज नॉट ए ऑपरेट बी इज इक्वल टू ई, इट इंप्लाइज दैट ए ऑपरेट बी है क्या, ए बी बाई फॉर इज इक्वल टू फॉर, आइडेंटिटी गिवन है क्योंकि आपने सोल्व की है, सही है। इसका मतलब है ए बी इक्वल टू 16, ए बी इक्वल टू निकाला कौन है, बी निकाल लेते हैं, इट इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 16 बाई ए। बी क्या है, ए का इनवर्स, और ये क्यू नोट में भी बिलोंग करता है, बिलोंग टू पक्का रैशनल है, ए की वैल्यू रख लो तो भी रैशनल रखने का रिजल्ट रैशनल ही आता है, जीरो रख ही नहीं सकते क्योंकि छोड़ रखा है, अगर जीरो होता तो मैं कह देता जीरो के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, पर उन्हें पहले कह दिया नॉन जीरो लेना, आई कल समझ में। अब देख जरा तो क्या बात, ए इंप्लाइज दैट ए इनवर्स कह लो या बी इनवर्स कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बी क्या है, क्या इनवर्स है, इसका मतलब ये बोला दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 16 बटे के ए, ये आपका आंसर आ गया भाई, 16 बाई ए इज द आंसर, ये आपका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन तो कई प्यारे प्यारे थे यार, इसमें होमवर्क में पूरे एक्सरसाइज दूंगा, लेक्चर में दो कल ही खत्म करने का इरादा था पर लेक्चर तीन लग गए इस पे भी, अक्सर इसमें अभी कई प्यारे क्वेश्चन रहते हैं, नहीं छोड़ेंगे करवाएंगे, ठीक है कुछ हाल करवा देते हैं, टाइम देख कितना हो गया लेक्चर में, 58 मिनट हुई है ना, चलिए 70 मिनट कर देते हैं, हो जाती है 70 मिनट, कैसे 60 में 10 जोड़ दो, यानी कि एक घंटे में 10 मिनट और जोड़ दो तो भी 70 ही हो जाती है। यस सर। अच्छा फिर तो ठीक है, मुझे डाउट आ रहा है ना कहीं ना गलत ना, चलिए कोई बात आगे बढ़ते आपके लिए। अरे यार मैं कहाँ डरा रहा था, ठीक है, और आप कंफ्यूज हो गए तो घर वालों को कंफ्यूज कर दोगे, और घर वाले कंफ्यूज हो गए तो घर वाले का पड़ोसी को कंफ्यूज कर देंगे, और जैसे ही पड़ोसी कंफ्यूज हुए घर में लड़ाई शुरू हुई, ठीक है, इसलिए मैं घर की लड़ाई खत्म करो, और उसका खत्म कैसे होगी ताकि मैं कंफ्यूज ना रहूं, ठीक है। चलिए काम करते आगे, हम लोग बात कर रहे थे किसकी किसकी, इनवर्स यानी कि आइडेंटिटी और इनवर्स, दो बातें तो क्लियर है कि आइडेंटिटी आप ये नहीं कह सकते कि ये फिक्स आइडेंटिटी आएगी या फिक्स इनवर्स आएगा, यानी कि आइडेंटिटी और इनवर्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन यूज करते थे और आइडेंटिटी और इनवर्स निकाल देता है। ये क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा आपकी बुक का कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन ए ऑपरेट बी, ए
ऑपरेट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन प्लस वन ए बी बिलोंग्स टू जेड इंटीजर सेट किसका लिया भाई इंटीजर का कहता है कि पहली बात तो ये कहता है कि बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज ऑन जेड एंड इज कॉम्यूटेटिव फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट जान तो क्या कहता है कहता बताइए ये बाइनरी ऑपरेशन क्लोज है कि नहीं इसका मतलब तो क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है कि नहीं मीन ऑपरेशन के बाद रिजल्ट वापस इंटीजर में आएगा कि नहीं आएगा चेक अब लिखना सीखो वही बात है कि अगर कोई ये पूछता मुझे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है कि नहीं है तो मैं क्या कहता ऑपरेशन लगाने के बाद क्या वापस रिजल्ट इंटीजर आ रहा है यदि रिजल्ट वापस इंटीजर आ रहा है तो मैं क्या कह देता बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है या मैं ये कह देता बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज अंडर दैट ऑपरेशन ठीक है सनमागी आ जाइए वही करूंगा अभी हमने कहा हियर आ जाइए लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड सही है ए बी बिलोंग्स टू जेड इंटीजर लेंगे इट इंप्लाइज दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड गलत या सही क्योंकि इंटीजर का एडिशन है इंटीजर आता है इसलिए इंप्लाइज दैट कहते हैं पक्का It implies that A plus B plus 1 belongs to Z. यहाँ पर भी for all लिखना चाहिए तो ऊपर लिखा ही गया। एक और sorry senior क्या है? A plus B plus 1 belongs to Z. Therefore a binary operation is a closed. This shows that. This shows that binary operation. Binary operation is यानी कि बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड एक तरह से मतलब वही था तो यानी कि इसने क्या माना था कि बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज है कि नहीं है तो दिस शो दैट बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज ऑन ए जेड और लिख दो कि इंटीजर पे चेक किया सही बात है पक्का अब मैं आगे बढ़ता हूं कहता कॉम्यूटेटिविटी है कि नहीं है चेक करो यार क्या करूं कॉम्यूटेटिव तो है ही है ए प्लस बी करो कि कर लोगे कॉम्यूटेटिविटी तो चेक कर ही लोगे तो मैं आइडेंटिटी निकालता हूं ठीक है टू फाइंड आइडेंटिटी लेट ई बी दी आइडेंटिटी लेट ई बी दी आइडेंटिटी मैं इसका इनवर्स भी निकालूंगा बुक में नहीं मांग रखा मैं इनवर्स भी निकालूंगा उसके बाद आप एक्सरसाइज पूरी ट्राई करके आएंगे कल डाउट लेकर एक्सरसाइज को कंप्लीट ठीक है ये तो लेक्चर आगे आएगा ही ठीक है उसमें आप के आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपने आसान में भी आ जाएगा लेट ई बी दी आइडेंटिटी इट इंप्लाइज दैट ए ऑपरेट ई इज इक्वल टू ई ऑपरेट ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड लेट ई बी दी आइडेंटिटी इसका मतलब ये ऑपरेट ई इज इक्वल टू ई ऑपरेट ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए दैट नाउ ए ऑपरेट ई इज इक्वल टू ए लिखना मत भूलना ऑपरेशन इज ए कॉम्यूटेटिव अगर कॉम्यूटेटिव ना हो या डाउट हो तो क्या बोला दोनों ही चेक करनी होती एक बार ए ऑपरेट ई इज इक्वल टू ए लेके और एक बार ई ऑपरेट ए इज इक्वल टू ए लेके पर इन्हें कॉम्यूटेटिव मार्क भी रखा था वैसे भी पता था लाइक अगर रिटर्न कॉम्यूटेटिव है ए में बी जोड़ के वन जोड़ लो या बी में ए जोड़ के वन जोड़ लो रिजल्ट सेम आ रहा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता आगे बढ़ते हैं ए ऑपरेट ई इज इक्वल टू ए इट इंप्लाइज दैट ए प्लस ई प्लस वन इज इक्वल टू ए शब्द पहला प्लस दूसरा प्लस वन क्योंकि फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस वन ऑपरेशन था सही है ए प्लस ई प्लस वन इज इक्वल टू ए की तो तोते उड़ा दिए सही है इसका मतलब क्या हुआ ई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो या वन है जीरो या वन है अच्छा ठीक है ये बटे बाई में नहीं गया ए
नहीं गया। अच्छा तो माइनस चला गया, ठीक। इसका मतलब है e is equal to माइनस वन। क्या माइनस वन इंटीजर है? हाँ है क्या? तो है, तो इसका मतलब ये आंसर है, belongs to z, therefore माइनस वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। माइनस वन इज द आइडेंटिटी ऑफ ए z। किस ऑपरेशन में है? ऑफ ए दिस, ये कहना ऑफ दिस, क्योंकि इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या है? माइनस वन हो गया। अब कहो तो इनवर्स और निकाल दो इसी का, फिर एंडिंग कर देंगे एक्सरसाइज में ट्राई। राइट में इसका इनवर्स होने का, आपकी बुक ने इनवर्स नहीं मांगा, हम ट्राई करते हैं इनवर्स। हो बार बार बोलो भाई, आपकी बुक में इस क्वेश्चन का इनवर्स नहीं मांग रखा, ठीक है? कहीं कह दो पता नहीं कहां से उठा लाए, कहीं से नहीं लेके। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्वेश्चन है, पर उसमें इनवर्स नहीं मांगा था। आगे वाले क्वेश्चन में इनवर्स भी निकालना है, इसलिए इसी में इनवर्स निकाल देते हैं ताकि आप अगले क्वेश्चन ट्राई कर सकें, ठीक है? चलिए, और उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सॉल्व आपसे नहीं होंगे, कल का लेक्चर और मैं लगा के वीडियो डाल दूंगा, उसमें से आप चेक कर लें, ठीक है? ट्राई सारे कर लें, डाउट उसमें से क्लियर अपने आप हो जाएंगे। चलिए, लेट लेट ए बी, ए बी, ए बी, सॉरी यार, लेट ए इज द इनवर्टिबल एलिमेंट ऑफ ए जेड, लेट बी इट्स इनवर्स, लेट बी इट्स इनवर्स। इंग्लिश बना लेना मैं जो भी बनती हूं, मुझे पता नहीं कौन सी बनती है। लेट बी इट्स इनवर्स, इट इंप्लाइज दैट ए ऑपरेट बी इज इक्वल टू ई बी ऑपरेट ए। मेरा कोई रोल नहीं, डेफिनेशन ही लिखी है। अगर बी ए का इनवर्स है तो क्या हुआ? ए ऑपरेट बी करो या बी ऑपरेट ए करो, रिजल्ट क्या आएगा? आइडेंटिटी। रिजल्ट क्या आएगा? आइडेंटिटी। इट इंप्लाइज दैट ए ऑपरेट बी इज इक्वल टू माइनस वन, दे रखा है क्योंकि आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी है? माइनस वन। इसका मतलब ये हुआ ए प्लस बी प्लस वन, सही है? इसका मतलब कैसे धर ले रहा हूं? इसका मतलब मुझे रिजल्ट तो बी निकालना था, बाकी को उधर उठा ले जाओ, ये वन इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, माइनस 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 टू, माइनस टू माइनस ए, माइनस ए, ये इंटीजर ही आएगा ना, क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ए इज इनवर्स ऑफ ए इज कितना? माइनस टू माइनस ए। अगर ये बाई चांस इंटीजर नहीं आता होता, अब तो मुझे पता है दो इंटीजर की सबट्रैक्शन क्या आएगी? इंटीजर ही आएगी। बाई चांस ये फील हो जाता इंटीजर नहीं आएगा तो मैं क्या कहता? हाँ, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझना की क्लियर? आपको पूरी एक्सरसाइज ट्राई करनी है, एक टेबल बनानी और रहती है, वो कल के वीडियो लेक्चर में ही डालेंगे, ठीक है? एक टेबल बनानी और आती है, बाइनरी टेबल और बनती है, ठीक है? इसी एक्सरसाइज में आगे बढ़े, फिर बढ़ेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं।